अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में उस्मान गाजी की एक बीबी के मुतालिक का जो नज़रिया था उसके मुतालिक बात की थी, और मैंने ये बताया था कि लोग उस नज़रिए पे क्यों यकीन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम उस्मान गाजी की दो बीवियों के नज़रिए के मुतालिक बात करने वाले हैं, जिसमें हम इस नज़रिए के मुतालिक जिसमें हम देखते हैं कि उस्मान गाजी की दो बीवियाँ थीं, माल हातून और बाला हातून। जहाँ तक माल हातून की बात है तो उनके मुतालिक कोई वाज़े मालूमात तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो तारीख दान या जो मौरखीन एक बीवी के नज़रिए पर यकीन रखते थे, उन्होंने उस्मान गाजी की बीवी का नाम माल हातून लिखा है, मगर उसे शेख अदाबाली की बेटी ही करार दिया है। और जहाँ बाला हातून की बात है उसे भी शेख अदाबाली की बेटी करार दिया है, यानी दोनों एक ही इंसान थे। तो ये बात हमारे पास जो मकीज अवकाफ़ की दस्तावेजात है वो गलत साबित करते हैं, क्योंकि मकीज अवकाफ़ की जो दस्तावेजात हैं उनमें ना सिर्फ हमें माल हातून बिनते उमर के बारे में पता चलता है, बल्कि हमें उस्मान गाजी के दूसरे बच्चों के बारे में भी मालूम होता है, जिसके मुतालिक आशिक पाशादार, लुत्फी पाशा, नसरी और रुस्तु पाशा ने कोई जिक्र नहीं किया, जिनके नाम कोबन, मालिक, पजदारी और हामिद है। और साथ ही साथ उस्मान बेग की एक बेटी का भी जिक्र आता है जिसका नाम फातिमा है। और जहाँ तक माल हातून की बात है तो उनका नाम माल हातून बिनते उमर रखा हुआ है, और दो खातून और भी हैं। तो ये समझा जाता था कि शायद ये तीन खातून ही उस्मान गाजी की माँ बीवियाँ हों, मगर इन तीन खातून का कहीं भी जिक्र नहीं आता, जबकि माल खातून का जिक्र मुख्तलिफ जगह है और माल खातून का नाम अलग करके सबसे ऊपर लिखा गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो उमर और हान की माँ थी और उमर साहब की बेटी थी। अब अगर हम उमर साहब पे आते हैं कि वो कौन थे, तो उसके मुतालिक कुछ वाजह तो नहीं, मगर ये है कि उमर साहब के मुतालिक ये वाजह मालूमात आती हैं कि वो एक उमरली पर्सनैलिटी के बानी थे, जो उमर साहब से काफ़ी करीबी तौर पे मुंसलिक है, और वो उस्मान गाजी से भी काफ़ी मुंसलिक है। वो उस्मान गाजी के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हुए, और देखा जाए तो उनके मुतालिक हमें कुछ मालूमात मिलती हैं, जैसे इबुल हायर रूमी और सालतुक ने, ये दोनों 16वीं सदी के तारीखदान थे, जिन्होंने उमर साहब और उस्मान गाजी के दरमियान उनके ताल्लुकात और उनसे मुंसलिक जो उनके मुआहदे थे और जंगों में उमर साहब का उस्मान गाजी का साथ देना, उसके मुतालिक उन्होंने बयान किया है। और जहाँ और इसी तरह एक और अहमद रिदवान, और हमारे पास अहमद रिदवान इस्केंदर नामे जो थे उन्होंने भी ये बात वाजे की है कि उस्मान गाजी की एक बीवी नहीं थी, बल्कि उस्मान गाजी का ताल्लुक उमर साहब से काफ़ी गहरा था, और उमर साहब ने उस्मान गाजी की काफ़ी मदद भी की थी, और इसी वजह से उनकी एक बेटी उस्मान गाजी के निकाह में थी जिनका नाम माल हातून था। अब उसी दौर में उस्मान गाजी और अरहान गाजी के दौर के करीब करीब जॉन कत्ता कोज़ैनुस, जिनकी बेटी थियोडोरा अरहान गाजी के निकाह में भी थी, वो सल्तनत बाज़ंतीनी सल्तनत पर काफ़ी वक्त तक उन्होंने हुक्मरानी की, और उसके बाद वो एक मॉन्क के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, और उसमें उन्होंने उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया की तारीख और अरहान गाजी के मुतल काफ़ी कुछ लिखा, जिसको मुख्तलिफ तुर्क तारीखदान भी इस्तेमाल करते हैं अपनी किताबों में। और उनमें उन्होंने उमर साहब और उस्मान गाजी और अरहान गाजी के बारे में काफ़ी मालूमात दी हैं, और उन्होंने बताया है कि उमर साहब एक काफ़ी ताकतवर इंसान थे और वो अरहान की काफ़ी मदद भी की है उन्होंने, जिससे ये वाजह होता है कि अगर तो उमर साहब ना होते तो ये तमाम के तमाम तारीखदान ये बात कभी भी पेश ना करते कि उमर साहब थे और उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम माल हातून था, और वो उस्मान साहब गाजी की बीवी थी। और ये जो एक बीवी का नतीजा, ये सिर्फ 15वीं सदी तक माना जाता था, 16वीं सदी में आते ही बहुत से तुर्क तारीखदानों ने भी इसको रद्द कर दिया। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास जॉन कांता कदैनुस की मालूमात है वो भी एक वाज़े चीज़ है, क्योंकि जॉन कांता कदैनुस उस वक्त ज़िंदा था जब अरहान गाजी और उस्मान गाजी भी बज़ाब्ते खुद ज़िंदा थे। और अगर हम आए एक और जॉन पेंचमर्स,
जो है उसने भी ये उमूरली जो हमारे पास में सिमिलरिटी है उसके मुताबिक बताया था कि उमर साहब का एक बेटा उस्मान गाजी के साथ महाफिन की एक जंग में उनके साथ लड़ा था। तो अगर ये मालूमात दुरुस्त है तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो उस्मान गाजी और उमर साहब थे उनका ताल्लुक काफ़ी गहरा था, और उमर साहब की बेटी का उस्मान गाजी के निकाह में होना जायज़ हो सकता है, जो दुरुस्त हो सकता है। अब अगर हम आशिक पासवाज़ाद पे आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उस्मान गाजी की एक ही बीवी थी जिसका नाम माल हातून था या मलहून था, बाला था, तो और वो शेख अदाबाली की ही बेटी थी। और नसरी जो है वो भी बयान करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन्हें भी माल हातून के मुतल्लिक एक कहानी मिली है जो कहीं और तो नहीं मिलती, लेकिन वो उसके बावजूद भी उन्होंने भी माल हातून का जिक्र किया है। और अगर नसरी के मुतल्लिक देखा जाए तो जो 15वीं सदी के तुर्क तारीख दान थे वो ज़्यादातर जो उनकी किताबें हैं वो आशिक पासवाज़ाद की किताब को सामने रख कर ही लिखी गई हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई। और अगर कुछ फ़र्क है तो वो कुछ लोक कहानियों का इजाफा। अब मैं यहाँ पे एक बात और वाजे कर दूँ कि आही जो थी वो शेख अदाबाली की तरफ से बनाई गई एक तंजीम थी, जो कि सबसे पहले मुराद अव्वल जो कि औरहान अव्वल का बेटा था उसने उन्हें तमाम ओहदों से बरतरफ कर दिया जब उन्होंने उसके खिलाफ उठने की कोशिश की। और उसी वजह से 13वीं सदी में ही उन्होंने अपनी शोहरत जो उस्मान गाजी और औरहान गाजी के दौर में पाई थी वो उन्होंने खो दी। और उस शोहरत को खो देने के बाद 15वीं सदी में जब तारीख मुरतब होना शुरू हुई तो आशिक पासवाज़ाद जो कि खुद एक आही था अपनी खोई हुई शोहरत को वापस लाना चाहता था, तो इसलिए उसने शेख अदाबाली की बेटी का नाम माल हातून बताया, क्योंकि हर जगह ये बात तो काफ़ी मकबूल थी कि औरहान की माँ का नाम माल था, मगर उसके बाप कौन थे इसके बारे में कोई इतने ख़ास मालूमात लोगों को भी नहीं थी। और जो तारीख दान थे जो इस बारे में लगे हुए थे उसमें सबसे पहले क्योंकि आशिक पाशा ने इसके ऊपर काम किया तो उसने इस बात को पूरी तरीके से रद्द करते हुए शेख अदाबाली की बेटी का नाम माल हातून बना दिया। जबकि उसकी ये ताबात और उसकी ये जो पूरी किताब है ये 16वीं सदी में आते ही मुख्तलिफ तुर्क तारीख दानों ने भी रद्द की। 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और अब 20वीं सदी के जितने भी तारीख दान हैं वो इस बात को रद्द कर, अगर जो कुछ इस बात को मानते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से मानते हैं कि क्योंकि वो सबसे पहले तारीख दान थे वो समझते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। और उसके मुतालिक ये वाजे मालूमात भी आती हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी शोहरत वापस लाना चाहते थे। और मैं आपको फिर वाजे कर दूं कि ये जो एक बीबी का नज़रिया था ये सिर्फ 15वीं सदी तक माना जाता था, 15वीं सदी के बाद इसकी मिकदार बहुत कम हो गई। और जो कि जो यूरोपियन या जो तुर्क तारीख़दान इस पे यकीन रखते हैं उनकी तादाद दो नज़रिए पे यकीन रखने वालों के मुकाबले में काफ़ी कम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी इस वीडियो में माल हातून के वालिद उमर साहब के मुतालिक बताया है, उनके वजूद के मुतालिक जो मालूमात 13वीं सदी और 14वीं सदी में मुरतब की गई थी वो भी मैंने बयान की है। और उन्हीं के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि ये जो एक बीवी का नज़रिया था ये 16वीं सदी में ही रद्द कर दिया गया था बहुत से तुर्क की तारीख दानों में। मैंने उनका नाम भी आप भी बताया है और साथ ही साथ यूरोपियन तारीख दानों का भी मैंने बताया, उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ के बाज़ंतीनी हुक्मरान जॉन कांताकुदेन उसके मुतालिक। अगर आपका जो सवाल है कि माल हातून की कब्र कहाँ है या माल हातून अगर थी तो उनकी कब्र कहाँ है या उमर साहब की कब्र कहाँ है उसके मतलब जो आपका सवाल है, और आपका जो सवाल है कि एक वाज़ किताब से मैं आपको ये साबित करूं कि कहाँ पे ये लिखा है कि माल हातून थी और वो और हाँ उसकी माँ थी, तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।